मंगल्यम सर्व कल्याणकारकम ज्ञानम सर्व धर्मानां जैनं जयतु शासनं। नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकासते शिशुभावाय भावाय सर्वे भावान्तरक्षते वन्दितु सर्वस्य द्रोमचलमलोहमङ्गदिम्पत्ति वोचामि समय पाः अभी योग सार पर गुरुदेव श्री के प्रवचन। व्यवहार निश्चय प्रवर्त्यन्ते जगत कीर्थ। जो व्यवहार और निश्चय के विज्ञ हैं, मर्मी है, ज्ञाता है, उनसे ही जैन शासन की प्रभावना होती। तो कितना गुरुदेव ने अभी व्यवहार की बात करी और समय सार में व्यवहार को अभूतार्थ किया। यहाँ उन्होंने आखिरी में कहा कि अभी जानने का प्रसंग, समझने का, इसलिए इतनी चर्चा ज्ञान प्रधान की। जीव क्या है, अजीव क्या है, इसे सातों तत्वों का बोध करा है उनकी, और द्रव्य कर्म के निमित्त निमित्त संबंध कैसे, शरीर से संबंध कैसे, ये सब बताया। और जब समय सार पढ़ोगे तो व्यवहार शुरू से ही निषिद्ध कर दिया है ही नहीं, प्रमत्व भी नहीं और अप्रमत्व भी नहीं है, गुण भेद भी नहीं। व्यवहार तो बीच में आ जाता है प्रतिपादन की बहाने, कि वो निश्चय का प्रतिपादन करता है, इसलिए उसी जगह में व्यवहार से अन्य मोक्ष मार्ग नहीं। अच्छा, अभी कह रहे थे कि जो व्यवहार ऐसा नहीं जानेगा वो तीर्थ की प्रवृत्ति नहीं करा सकता, ऐसा भजन दे रहे थे। तो ये बात की किस लिए कही जाती कि जिसका ज्ञान ही झूठा हो, यानी जिसे बात समझ में नहीं आ रही है, वो व्यक्ति प्रयोजन नहीं साध सकता। पक्ष बना के बैठा हो उसकी बस का मोक्ष मार नहीं। व्यवहार नहीं है तो फिर भेद विज्ञान किससे कराए, और व्यवहार ही सही है तो फिर आत्मा की जानने की जरूरत कहां। तो गुरुदेव श्री ने एक कला सिखाई अपन को कि भजन कहां देना, ये आपका ज्ञान समझना चाहिए। जितनी उपयोगिता व्यवहार की उतनी रखना, ज्यादा रखोगे तो फिर जहाँ की तहाँ व्यवहार आभासी बनी रहोगी और यहाँ आना कोई लाभदायक नहीं होगा। इस तरह से एक लाइन में दोनों बातें लिखी रहती। उगल कम्मा दीनम कत्ता बवार दो दुर्च्छय दो छेदन कम्मा राधा शुद्ध नया शुद्ध भावाणम। एक गाथा में चार चार नए लगाए। अभी लिखे तो सब ऐसे ही जाएंगे, अगर पढ़ने वाला ऐसा नहीं पढ़ेगा जैसा नहीं, वो ये पढ़ेगा कि किस पर भजन देना और किसको गौण कर। पुद्गल कर्मों का कारता आत्मा है, पुद्गल कर्म इतना भिन्न द्रव्य। फिर कहा कि रागादि भाव का कर्ता अशुद्ध निश्चय नैसी आत्मा। फिर कहा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चार का कर्ता शुद्ध निश्चय नैसी आत्मा। और फिर कहा कुछ करता रहता, आत्मा तो आत्मा है, ज्ञाता तो ज्ञाता। अब बताओ चार बातें, चार नयों में फिर किस पर भजन देना, बताओ कौन बताएगा कि चार नये में किस पर भजन देना। क्योंकि वक्ता के अभिप्राय को नये कहते, पुस्तक के अभिप्राय को नये नहीं कहते। पुस्तक में तो वितरकता का पोषण कराना, ये उद्देश्य बता दिया। चार नए बताए, देख के चलो, ऐसे आंख बंद करके चलते दिखता ना। इस समय बिना देख के प्रमाद से चलता हो तो इसकी मुक्तता है। तो कुछ भी खा रहा हो पी रहा हो, क्या करते हो, तुम्हें समझ में आता जैन कुल है, पर्यूषण पर्व लगा और तुम हरी बना रहे घर,
तुम रात में खा रहे पी रहे, विकथा में पड़े हो, वहां प्रवचन हो रहा है, तुम गप्पे लगा रहे, तो ये कौन कहेगा? ये निश्चय नहीं कहेगा कि व्यवहार है। अगर वो कहेगा कि साहब इतने दिन से पूजन पाठ स्वाध्याय करते, आत्मा नहीं दिखती, तो आत्मा कैसे दिखेगी व्यवहार? आत्मा तो आत्मा से दिखेगी, तो कौन सा नए मुख हो जाएगा? निश्चय नहीं मुख हो जाएगा। ये तो जीव कहाँ खड़ा है उसके अनुसार बात की जाती है, ऐसी नहीं है कि कुछ भी ठोक दिया, उसकी हिम्मत नहीं। तोड़म जी ने कहा कि मोती जरा से उठा और उसे हलवा खिला दिया तो मरेगा बेचारा। उसे तो रोटी की पपड़ी और मूंग की दाल नहीं, मूंग की दाल का पानी। क्यों? क्योंकि इसकी तासीर ही नहीं है पहचान। ऐसे ही जो बीस विषय के साय में पड़ा हो उससे कहो आत्मा को पुण्य पाप होते ही नहीं। अरे उससे कहो कि पुण्य धर्म है, आके देखो मंदिर कितना चल, देखो तो एक बार इनके पास समोसा मिलेगा अगले भाव में, ये सब दुख मिट जाएंगे, स्वर्ग आदि में भगवान के दर्शन होंगे, लंबी उम्र मिलेगी। यहाँ लाओ उसे और पाप नहीं लगेगा लोभ दिलाने, ये तरीका होता है जीव को समझाने। और फिर जब यहाँ जाए कि अभी तक आत्मा नहीं दिखी, ये दुकान सजाई है, डेकोरेशन की है, अभी इससे थोड़ी गिराई की, अब ग्राहक चलेगा तो पैसा है, जितना अनुभव करोगे इतनी शांति मिलेगी। मंदिर क्या कर समय सारे इतने दिन से पढ़ रहे, आत्मा नहीं, ये शास्त्र है नहीं ज्ञान, क्योंकि शास्त्र कुछ इसमें से ज्ञान कैसे हो जाए? अभी पढ़ाएंगे। कितना उपकार है अपने संतों का, भगवंतों वही कहते परमागम के सेवन से मिला, और वही कहते आगम के सेवन से ज्ञान नहीं होता। अभी एक पक्ष बना के बैठ जाए तो भूल कांधा हो जाए। एक ही आचार्य एक ही ग्रंथ में कहते हैं कि मुझे जो निज वैभव की प्राप्ति हुई है वो परमागम के आगम के सेवन से हुई, युक्ति के अवलंबन से हुई है, और गुरुओं का मेरे सिर पे प्रसाद है, उनके अनुशासन में चलता हूँ, मनमानी नहीं करता। तीनों व्यवहार बताने के बाद अरे ऐसा आनंद भोगता हूँ, सदुपयोगी सुसंवेदन मेरा ही जीवन, भावलिंग ही मेरा जीवन है, स्वतः प्रमाणिकता अनुभव से थी। और 390 से कितनी गाथाएं ऐसी लिखी, शास्त्र है नहीं ज्ञान, सत्य है नहीं ज्ञान, वर्ण है नहीं ज्ञान, रस है नहीं ज्ञान, क्योंकि रस कुछ जाने नहीं। तो आज गुरुदेव ने ये बात, क्योंकि प्रवचन रहस्य कोश नाम है इसका, प्रवचन के रहस्य को समझने का कोश पहला अध्याय, इसमें निश्चय व्यवहार की बहुत गजब की व्याख्या पहले अध्याय। और किसी ने भी व्यवहार का भी पक्ष बनाया तो यस्तस्त देशना नास्ते, तू सुनाने लायक नहीं, भग जाए, ऐसा कहेंगी नहीं कि भग जाए, पर भाग ही बराबर है, क्योंकि इसे कुछ समझ में नहीं आए। 49 नंबर की गाथा का पाठ, अरस मरोग मगंधम अबतम चीदना गुणम सदम जाने लिंग गहनम जीवमणि देठ संठानम जीव चेतना गुण सदरस नंद व्यक्ति नहीं संस्थान उसका ज्ञान नहीं है लिंग से। हे भक्त तू जीव को रस रहित रूप रहित गंध रहित अव्यक्त अर्थात इंद्रिय गोचर नहीं है ऐसा चेतना जिसका गुण है ऐसा शब्द रहित किसी भी अन्य चिन्हों से ग्रहण ना होने वाला है
और जिसका कोई आकार नहीं है, इस तरह से आत्मा को जान। इतना सरल और सुगम इसमें चिंतन रखा है। ये गाथा सबको याद होना चाहिए, बहुत सरल गाथा है, छोटी सी गाथा है। अरस्मरूपम गंधम अबत्तम चेदना गुणमसत्तम जान लिंग ज्ञान जीव मणि दिठ संठान। कोई बहुत बड़ी गाथा तो नहीं, मैं अपना मुख पवित्र करो और दिन में गुनगुनाते रहो कि मैं जीव हूँ, रस रूपी रूपी हूँ, अशब्द हूँ, अगंध हूँ, अव्यक्त हूँ, चेतना गुण से युक्त हूँ, अन्य किसी लिंगों से मेरी पकड़ नहीं होती है, मैं कोई आकार रखने वाला नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ ज्ञाता दृष्टान। तो कल अपन ने रूप का बोल पढ़ा था, चार बोल पढ़े थे, दो आज पढ़ना। इस प्रकार जीव वास्तव में पुद्गल द्रव्य से अन्न होने के कारण उसमें रूप गुण विद्यमान नहीं है, इसलिए अरूपी है। सबसे पहले भेद विज्ञान का इसे कराया, रस का था ना, अब दूसरा रूप का। तो ये रूप किस में पाया जाता है, रूप किसका गुण है, स्पर्श रस गंध गुण, ये किसके गुण, पुद्गल द्रव्य के। तो जो जगत में रूप दिखाई देते हैं वो जीव है कि अजीव है, अजीव है उसको जीव मानना बंद करो। एक है ऐसा नहीं है रूप पुद्गल है और हमारा गोरा रंग, हमारा सांवला काला रंग, ऐसा नहीं। देखो हमारा रंग तो भीतरागी रंग है, ज्ञान रंग में रंगा है। तो पहले नंबर पर पुद्गल द्रव्य से भिन्न कराया, भेद विज्ञान कराया। दूसरे गुण में पुद्गल द्रव्य के गुणों से भी भिन्न होने के कारण स्वयं रूप गुण नहीं है, ऐसा फिर बताना पड़ता है उनको कि ये ऐसा कहना सीख जाता है मंदिर में कि पुद्गल भिन्न है और आत्मा भिन्न। भूलने में तो कुछ लगता नहीं, पर रस तो उसका ही भरा रहता ना कि यार हमारा रंग कैसा मिलना है। ये जो श्री कृष्ण के पिता थे ना वासुदेव, ये रूप खराब होने से मरने के लिए तैयार थे, ऊपर से खाई में गिरने। असंख और निर्नामक नाम के दो मुनि उसने खाई में बैठे अपने गुरु से पढ़ रहे जंगल। तो एक आदमी की छाया दिखी ऐसा चल रहा था ऐसा, तो गुरु जी से पूछा ये कौन आदमी, कि ये आत्महत्या का उम्मीदवार है, मरने के लिए आया। ऐसे गुरु थे पहले अगर ज्ञानी मने पर आए, तो एकदम से वो बोले ये क्यों मर रहा, कि इसका बहुत गंदा रूप है, इसे अच्छा नहीं लगता, निकला नहीं जाता लोगों के सामने, और ये तुम्हारा पिता बनने वाला है अगले भाव में कामदेव, गजब का संबंध है। वो वहीं मरने गया जहां दोनों उनके बेटे बैठे थे, तो वो एकदम से योग बन जाता है। और जैसे वो पढ़ा रहे थे तो एकदम पढ़ाई छोड़ के आकर, सोचो जरा मुनि और एक व्यक्ति से बात कर रहे हैं कि तुम मानना नहीं, बहुत बड़ा पाप, तुम बहुत अच्छे जीव, ये चमड़े का रंग रूप है, इसमें दम क्या है, ये तो राख होना, अभी तो जल के काला बन जाए। तो सुनो तुम धर्म धारण करो जैन धर्म, इससे तुम्हें सुंदर रूप मिलेगा, तुम फिर अशरीरी हो जाओगे, भगवान बन जाओ। संग और निर्नामक नाम के दोनों मुनि आए, समझाया, मान गया, मुनि पर धारण कर लिया और कितना बड़ा व्यक्ति बना। मानो वासु कुमार का निरूपण पढ़ोगे हरिवंश पुराण में तो आप कहोगे कि आधा सब पुराण उनके लिए लिखा, 75,000 शादियां हुई उस व्यक्ति, और जहां जाता था विजय करके लौटता, ऐसा विचित्र पुण्य ले गया। और एक भाव का पुण्य सिर्फ मुनि हो गया वो मुनिराज के कहने से, और बहुत प्रसन्न रहने लगा, इतना पुण्य बांधा, इतना पुण्य बांधा, जहां खड़ा हो जाता था तो विजय लेके लौटता, उसे बहुत विरोध करने वाले और सबको जीत जात गया। तीर रूप अपनी चीज नहीं है, चेतन अपनो रूप निहारो, नहीं गोरो नहीं हारो, तुम गोरे कारे नहीं हो भाई, तुम चेतन अरूपी भगवान हो। कल बताया था रूप में और स्वरूप में क्या अंतर है, किसे याद बताओ, हाथ उठो, प्रदीप भैया को तो याद है ना?
रूप गुण पुद्गल द्रव्य का है और स्वरूप छह द्रव्यों की। स्वरूप किसे कहता है? द्रव्य चित्र काल भाव स्वरूप है, अपने अपने रूप है। रूप यानी सिर्फ रूप ही नहीं होता, रूप यानी उसका स्वरूप स्वभाव। तो ये रूप गुण भी जीव का नहीं है। जीव का नहीं है तो किसका है कि किसका हो हमें क्या मतलब। इतने इतने उदासीन होना चाहिए। पुद्गल द्रव्य मेरा नहीं, पुद्गल द्रव्य के गुण धर्म भी मेरे नहीं है। ये नास्ति से कहा। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं तो चिद रूपी, तो चैतन्य रूपी हूँ, मैं तो ज्ञाता भगवान। मजबूती के लिए नास्ति से कथन किया जाए और पकड़ने के लिए अस्थि से कथन किया। प्राप्त होती है वस्तु अस्थि से विधि पूर्ण और कथन किए जाते हैं उसके नास्ति से। क्षमा समझाने के लिए क्रोध की तरफ से कहा जाए, क्रोध के अभाव को क्षमा कहते। अब क्षमा से परिचय नहीं, क्षमा में आनंद आता है। वितरागी दशा अलौकिक परिणति है, ज्ञान स्वभाव से प्रकट होती है। सारी दुनिया उसे वसुधैव कुटुंबकम लगती है। गजब का जीव होता है क्षमाधारी जीव। तो वो क्षमा बताना है, बताएंगे कैसे। क्रोध बड़ा शैतान है, करता है हैरान है। क्रोध अंधा होता है, ऐसी बताते क्यों? बताएं कैसे, क्या करें बताओ। जीव को अरूपी आत्मा दिखाने के तरीके सीखो इन ज्ञानियों से। तो पुद्गल द्रव्य के गुण भी आत्मा के गुण धर्म नहीं है। फिर बताया था ये जो हो गए द्रव्य गुण, अब बताया कि पुद्गल द्रव्य से बनती हैं इंद्रियां और इंद्रियां देखने में निमित्त बनती हैं मोही जगत जनों को। और आचार्य देव कहते हैं ये जो जड़ द्रव्य इंद्रियां हैं इनका स्वामी कौन, हमें ये समझा। तुमने दूसरे से पैसा लिए, ये किसके है? कि भाई उसके है, तो तुम इसमें स्वामित्व कैसे करते? ये चमड़े का शरीर किसका? ये पुद्गल का, तो तुम्हारा कहां से हो? तुम इसके स्वामी बनोगे तो निगोज जाना पड़ेगा। अभी तो नरक जाते की डर लगता है, निगोज जाना पड़ेगा यदि इसके स्वामी बन। क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि इसमें आत्मा का अपमान कराते। आत्मा का अपमान विश्व में सबसे बड़ा अपमान करे। भगवान को पीठ देने में ही पाप लगता है, तो आत्मा को पीठ देने में क्या लगता होगा? पुण्य। ऐसी गंधोदक चुपरता आइंटमेंट जैसा। अब इसी जड़ शरीर यहाँ मंदिर में ढीला नहीं पड़ रहा, ये कहाँ इलाज कराएगा? यहाँ तो भूल जाना चाहिए कि मैं चमड़े का बना हूँ। निश्चय 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 क्यों कहलवाता है? सर्व सर्व सांसारिक उलझनों को छोड़ कर आना यहाँ मंदिर। शर्म दृष्टि लेकर भगवान के दर्शन नहीं करना, स्वरूप दृष्टि से भगवान के दर्शन, तब तो भगवान दिखेंगे। तो ये इंद्रियां पर्याय हैं किसकी? पुद्गल द्रव्य की। तुम्हारी नहीं, शरीर परिणाम को प्राप्त है, तुम्हें प्राप्त नहीं। और कितनी देर तक टिकी है? जब तक आयु कर्म है तब तक तुम्हारे साथ रहती, तुमसे कोई मतलब नहीं है शरीर। पर तुम जबरदस्ती उससे संबंध जोड़ते हो तो जोड़, पागल कौन कहला? जबरदस्ती चिंदी बटोरता रहता है, जैसे ये चमड़ा बटोरता है। भाई इसमें बहुत अपमान हो रहा है जीव का, अभी समझ में नहीं आता। ये तो महाभाग से गुरुदेव श्री इतने पीछे पढ़ के समझा रहे, नहीं तो ये चमड़ा मड़ा लगता क्या है? ब्यूटी पार्लर अपनी बेटियों को जाना चाहिए कि नहीं? बहु कि नरक जाना हो तो जाना चाहिए, अंडा पुत्र खाए के लिए जाते हो? ये इतनी सुंदर तो वैसे ही लगती, इससे ज्यादा और सुंदर क्या बनो? तो द्रव्य इंद्रियों का स्वामी पुद्गल द्रव्य है, उसकी पर्याय है, तुम्हारी पर्याय नहीं। और उसके बल से तुम जानने की कोशिश करते हो तो अपनी बेइज्जती कराने की कोशिश। आंख नहीं होगी तो सिद्ध हो जाओगे और क्या? ऐसा तो सोच ही नहीं सकते। 25 साल की बेटिया हुई, अब बस शादी आती, ये नहीं आता कि ब्रह्मचर्य दिलाओ, मोक्ष भगवान बनाओ।
बूढ़ा देखा, अब भाई मरने के हो गए, ये क्यों दिखता है, ये बूढ़ा नहीं है, ये आत्मा, ऐसा नहीं देख सकते। ऐसी देखने की आंख तो यही खुलवाते कुंद कुंद, अपन को तो ये चमड़ी सी दिखाई देता है और ये आंखें चरमन सो निर्मिल और चरमई तो ही दिखावे भोंदू भाई, समझ सबद सुन वीर, कुछ तो सुन भगवान की वाणी, भोंदू भाई भोंदू कहते उसे। चौथी में कहा चलो द्रव्य नहीं, उसका एकत्व ममत्व तो बहुत खतरनाक चीज है, अब हम पुद्गल से ममत्व नहीं, अब हम ये बताओ कि हम अपने ज्ञान से ये सब जगत को देखते, इसमें कौन सा पाप, हमें समझ ही नहीं आ रहा, तुम तो बिल्कुल ही पीछे पड़ गए, शरीर अपना नहीं, पुद्गल अपना नहीं, पैसा अपना नहीं, चलो कुछ बात नहीं समझ में आ गया, अब हम यहाँ वहां देखते हैं तो इसमें भी आपको परेशानी, हाँ इसमें ये परेशानी है कि ये जो तेरा स्वभाव है झांकने का नहीं, यहाँ वहां देखने का स्वभाव नहीं है, तो हमें ये बताओ कि हम जो रूप देखते हैं वो आंख से नहीं देखते डॉक्टर साहब, चश्मा से नहीं देखते, पर अपने ज्ञान से देखते हैं, इतनी देर लगाने में ऐसा लगता है कि कुछ भीतर गड़बड़ चल रहा है। सिपाही ने पूछा क्यों भाई तुम्हारे घर में चोर तो नहीं छिपते, ऐसा खड़ा हो गया, इतने में समझ जाते यार रहता हो, जब तो इसे बोले ना, इस पुलिस ने पूछा कि तुम चोरों के साथ ही कैसी बात करते, उससे बड़े पुलिस वाले बन के बोलो, जब तो वो समझेगा कि यार खतरनाक है, जैसे अपन ने कहा कि हाँ साहब इंद्रियां हमारी नहीं है, आप कह रहे हो तो ऐसे तो हमें छोड़ा नहीं जाता इससे, पर आप कहते हो माने लेते इंद्रियां हमारी नहीं, पर इंद्रियों के माध्यम से हम जो रूप देखते हैं भगवान का, पत्नी का नहीं कह रहे, भगवान का रूप देखते हैं, ये जो रूप देखना है ये सही है कि नहीं, कि तुझे इंद्रियों के द्वारा भगवान का रूप दिख ही नहीं सकता, ये सही, क्यों नहीं दिख सकता, क्योंकि तेरा ज्ञान पराधीन ज्ञान नहीं है, स्वाधीन स्वभाव है, अपना ज्ञान किसी दूसरे की कृपा से जाने, किसी ऐसा ज्ञान का स्वभाव नहीं है, ज्ञान तो अपने भीतर अपने को देखे और दुनिया देखे, कैसा कैसा देखने की आदत पड़ेगी, क्यों ये बातें पुस्तक की नहीं है, अपने जीवन की, ये दस लक्षण पर वारा खोजी बनना, अपने ज्ञान को धन्य करना, ऐसे नहीं निकल जाएगी, इतने बड़े विपिन शास्त्री आ रहे, बहुत अच्छा विद्वान है, महाभाग से तो योग बनता ज्ञानी जाना, तो ये मिले तो अपना ज्ञान को धन्य करना, अपने आत्मा की रुचि बढ़ाना, बढ़ गई हो तो और बढ़ाना, नहीं मेरे प्रारंभ हो रही हो तो प्रारंभ कर, ये दस लक्षण पर विश्वव्यापी पर्व है, सारा जगत से मना, जो कभी साल भर मंदिर नहीं आते उनके चेहरे पर दर्शन करना हो तो दस लक्षण देख, ये तो भगवान से भी ज्यादा कीमती है, वे लोग कहाँ मिलेंगे उनके दर्शन, बदैया जैनी आती और इतनी पूजा करते हैं, नरेंद्र कुमार जी से पूछो, ये गए थे दिल्ली तो कहने लगे पंडित साहब शांति से बैठो हमें पूजा कर ले, बोले 10-12 से कम में हमारा पेट भरता नहीं, तो 12 बजे तक पूजा कर है, 14 पूजा, गुड़ स्थान बोले 14 होते हैं इसलिए अपन ऐसे मानने वाले, तब भगवानों को पटाते रहती, वो तो 24 कर ले पर टाइम नहीं है, तो धर्म कैसा है वो कैसा पाल, तो ये चौथी इंद्री भाव इंद्री और ये छैव संज्ञान, और छैव संज्ञान से तुम विज्ञियों में जुड़े हो, ये शोभा देता नहीं, क्योंकि छैव संज्ञान का स्वरूप है खंड खंड जानना, और आत्मा का स्वभाव है अखंड, और जानने का ढंग भी अखंड, और वस्तु भी दिखती है अखंड, इसलिए अखंड जानना तो अच्छा लगता है, पर ये जो तुम जानते हो ना रूप देखा, और उस समय जब रूप दिखता है उस समय शब्द नहीं सुनाई पड़ता, इस समय रस चखते हो ना उस समय अन्य चीजें भूल जाती,
इसका अर्थ है कि तुम एक विषय की ज्ञान को जान पा रहे हो, परंतु सर्वांगीण स्वभाव है जानने, इसलिए इस भावेंद्री भी जीव का स्वभाव नहीं है। भावेंद्री किसकी पर्याय है? जीव की है, परंतु जीव नहीं। फिर से, भावेंद्री किसकी पर्याय है? जीव की। ज्ञान की पर्याय किसकी होगी? ज्ञान स्वभाव ही आत्मा की, अज्ञानी की जड़ की तो होगी नहीं। तो जीव की पर्याय है, पर हाँ, पर मुकेश बताओ, जीव की पर्याय जीव की क्यों? क्योंकि वो परलक्षी है, वो आत्मा को छोड़ के धंधा करने निकल। ऐसा जीव कभी सुखी नहीं होता जो अपने स्वभाव को भूल करके दूसरों की चाकर दुखी है। वह भावेंद्री वाला जीव दुखी। अब बताओ, अब थोड़ी कठिन बताओ संधि, इस समय का सार का शास्त्र का ज्ञान ये भावेंद्री है कि द्रव्येंद्री है कि आत्मा का ज्ञान? तीन बातें बताई आपको। समय सार जी पढ़ रहे, इस समय हमें जो समय सार जी का शास्त्र का ज्ञान हो रहा, ये ज्ञान आत्मा का है कि नहीं संदीप बापू? नहीं है, समझोगे तो आंखें खुल जाएंगे। इतने दिन से आ रहे, 50 साल हो गए, तो क्या कर रहे कि समय सार पढ़ रहे? इसीलिए तो समय सार नहीं पढ़ पा रहे। क्यों? क्योंकि तुम्हें जो ज्ञान हो रहा है वो काय के माध्यम से हो रहा, मन इंद्रियों के निमित्त, वो किसका हो रहा है? समय सार का। समय सार का हो रहा आत्मा का तो नहीं हो रहा, इसलिए समय सार पाठी भी आत्मज्ञानी नहीं। आत्मज्ञानी समय सार का पाठी है, आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी ज्ञान। ये जीव तो नहीं खुश, क्या समझते हो? हम भी सब समझते हैं, हम भी सब जानते हैं, हमने भी पढ़ा है, हम भी। अरे तू द्वाद सांग भी पढ़ के आए तो मोक्ष मार्ग में जगह नहीं देंगे, क्योंकि मोक्ष मार्ग तो आत्मा के आश्रय से चलता है, शिव सम के बल से थोड़ी चलता है। अच्छा, दूसरा प्रश्न संजय भी ये बता, ये शिव सम ज्ञान है जिससे अपन ने इसी जाना, एक प्रयोग है। अब क्षयसम ज्ञान से इसे जानने के लिए निर्णय करें, अपने पास ज्ञान तो एक ही है कि, और इसी ज्ञान से हम इसे जान रहे, तो हमने इसे इंद्रिय ज्ञान में समय सार का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान। अब दूसरा, समय सार से जो हमने सीखा पढ़ा गुरुजनों से, उसी समय को पढ़ के अब अपने ज्ञान से हम गायक का निर्णय करें, तो ये ज्ञान हमारा है कि नहीं? कैसा धर्म है भाई ये, तो कभी कल्पना में भी नहीं आया कि ये निर्णय ले रहा है ना ये जीव। ये निर्णय का लेने का ज्ञान भी जीव नहीं है, जीव का ज्ञान जीव नहीं है। क्यों नहीं? अध्यक्ष जी बता सकते, ये निर्णय लेने वाला ज्ञान ये जीव का ज्ञान जीव नहीं है, क्यों नहीं? एक ने कहा वो देख पा, दूसरा संजय, ये ज्ञान क्यों जीव नहीं है? इसमें मन निमित्त एक पकड़ में आए ने, ये इंद्रियों निमित्त है, यानी पांच नहीं निमित्त, अब तो इनके दरवाजे बंद, अब तो विचार में लगा, तो मन निमित्त, तो मन निमित्त है, मन पावे विश्राम, मन भी छूट जाता है। फिर तीसरा, हाँ हाँ। अभी इनका कहना है कि ज्ञायक के स्वभाव के अनुरूप नहीं है, यानी ज्ञायक के आश्रय से जो प्रकट होता है वो समय ज्ञान, और ज्ञायक के बारे में विचार करता है वो इंद्रिय ज्ञान, वो मन वाला ज्ञान। इससे इसका अर्थ क्या बताना चाहिए? भैया यहाँ नहीं रुको, आत्मा को देखो, आत्मा को देखो, आत्मा की आश्रय के लिए ये इतना विचार चिंतन मनन जो कर रहे थे ना, इसे व्यवहार में डालो, और व्यवहार हे होता है ये निर्णय लो, तब इसका पक्ष छोड़ करके आत्मा का आश्रय, नहीं तो तुम तो यही खुश होके चले। तो शास्त्र ज्ञान भी आत्मज्ञान नहीं है, सार तत्व भी आत्म तत्व नहीं है। जीवादि वैर तच्चम हेयम। और तीसरा पहलू और कोई बता सकता?
डॉक्टर साहब, एक समय की पर्याय है, ये त्रैकालिक नहीं है। चौथा बताओ, ये विकल्प आत्मा के आत्मा निर्विकल्प है, है? सबसे बड़ा पहलू यह है कि इस ग्रंथ में त्रैकालिक भगवान की दिखाए, त्रैकालिक आत्मा को द्रव कहते हैं और सब क्षय सम, अरे क्षय ज्ञान को जीव नहीं कहते। आगे आएगी ये गाथा है, ये सब गुणस्थान पर्यंत जीव नहीं, तो चौदहवा गुणस्थान तेरहवा आएगा नहीं उसमें, और तेरहवें गुणस्थान में केवल ज्ञान आया कि नहीं, वो भी जीव नहीं है, क्योंकि उसके बिना भी यदि जीव पूरा बैठा, केवल ज्ञान से मिलके जीव नहीं बनता है। ये केवल ज्ञान पर्याय में प्रकट होता है, और आत्मा कैवल्य ज्ञान स्वभावी सर्वक स्वभाव सर्वभावांतरक्षदी। और पांचवा बोले आज सकल विषयों की विशेषों में साधारण ऐसे एक ही संवेदन परिणाम रूप उसका स्वभाव होने से वह केवल एक रूप वेदना परिणाम को प्राप्त होकर रूप नहीं देखता, इसलिए भगवान आत्मा कैसा है रूपी है। पांचवा बोल और सूक्ष्म, तीन बोल तक स्थूल है क्योंकि वो पुद्गल से जुड़े, चौथा बोल अपने पर्याय से अपने आत्मा को भिन्न करा, पांचवा बोल जो तुमने ये कहा ना कि हमने रूप देखा, रूप देखा तो तुमने रूप देखा है कि रूप का ज्ञान किया है, थोड़ा सा और बारीक आए, रूप देखा है रस चखा है कि रस का ज्ञान हुआ है, रस का ज्ञान, रूप का ज्ञान, तो रूप का ज्ञान है कि ज्ञायक का ज्ञान है, और ज्ञायक का ज्ञान है कि ज्ञायक है। चलो तो थोड़ी सी व्यवहार अभूतार्थ करते जाओ तो आत्मा के पास पहुंच जाओ। पांचवा भूल कैसा है, एक संवेदन सामान, संवेदन यानी सम यानी सम्यक प्रकार से, वेदन यानी जान, जानना जान जानना जानना जान क्या जानना, ये नहीं चलेगा, जानना जानना जान जीव कैसा है ज्ञान स्वभावी, तो क्या करता होगा जानना जानना करता, तो जानना किसका करता, करता ही तो नहीं, तुम जिसे करना करना कहते हो तो करना स्वभाव नहीं, तो ज्ञान तो करता है कि नहीं, ज्ञान काय को करेगा, ज्ञान तो उसका स्वभाव, तो क्या क्या करता रहता है, मात्र जानना मेरा काय को जानना, शोको की पर को सो को जानता की पर को स्वपर प्रकाशक है ना, अरे स्वपर प्रकाशक बताना सब व्यवहार है भैया, ये जानना देखो, मात्र जानना जीव का काम मेरा स्वभाव कैसा है जानना, तो रस को जानना के रूप को, ये जीव अभी रूप देख रहा था, तो बताओ रूप देख रहा है कि ज्ञान देख रहा, तो वो कह रहा हम तो टीवी देख रहे, पगला कहीं कि तुझे अपना ज्ञान देखता है, तो काय को समय खराब कर, तेरे ज्ञान में वो कोई आई नहीं रहे, हमारे ज्ञान में कौन है, विज्ञान है, तो तुम क्या देखते रहते दिन भर कि हम तो वहां गए थे ताजमहल मट्टी देखने गए, मट्टी भी नहीं देखी तुम्हें ज्ञान ही हुआ है? ये बताओ तुम आत्मा हो कि नहीं, आत्मा, आत्मा का स्वभाव क्या है जानना, तो जानना में सब कुछ है कि नहीं, तो हम बोल सौर पर प्रकाश, जब तुम अपने घर में जाते हो तो मालती भाई कहते आइए डॉक्टर साहब, ऐसे बोलते, पुलिस वाले की घर वाली ऐसी बोलती आइए पुलिस साहब, ऐसे बोलती, कैसे बोलती है, भोजन करो समय हो गया, भर की बारी बढ़ा रहे तुम, इतना सामान्य देखती तब तुम्हारे साथ टिक पाती, यदि तुम्हें विशेष देखती डॉक्टर देखती तो कहीं इंजेक्शन लगा जाओ, ये लूट बिगा दो, फिर तुम्हें राग द्वेष खड़े हो जाते, सामान्य में राग द्वेष समाप्त हो जाती है, मात्र जानना मेरा काम, इसे जाना तो फिर उस जानने में राग द्वेष खड़े करते, रूप ही क्यों जान, तुम तो रस के भी जानने वाले, रस ही रूप क्यों जाना, शब्द क्यों नहीं जाना, अरे विश्व जानने में आए,
तुम एक एक चीज को जान रहे हो। ये भागवत जी बताए खंड खंड ज्ञान कहती। अब ये कह रहे कि तुझे जो खंड खंड ज्ञान होता है उस खंड खंड ज्ञान में भी ज्ञान है, ज्ञान होता है, खंड खंड भी तो नहीं होता यहाँ। यहाँ क्या होता है? यहाँ तो ज्ञान होता है। और ये मानता है कि मैंने रूप देखा, कि रूप देख नहीं सकते, देखते तो तुम्हारी आंख फूट जाए, क्योंकि रूप आता है। कथन कितने व्यवहार भी स्वामी जी ने कहा भाई व्यवहार है, जगत को कैसे बताओगे कि आत्मा है? तो ये तो कहोगे ये सब लिखा है, यही तो आत्मा जान, ये भगवान कैसे दिखते क्या? पर बहुत स्थूल है ना ये बात, अभी तो उसे खड़ा करना कि भाई भगवान दिखते हैं कि नहीं, तो किसे दिखते? आंख को दिखते कि शरीर को, ज्ञान को दिखते? तो ज्ञान क्या भगवान से आता है कि भीतर से आता है? भीतर से आता है। तो तू अपने ज्ञान में मर्यादित है, बाहर कहां गया? तो एक संवेदन प्रणाम, एक अनेक नहीं, बहुत से प्रकार की चीजें देखी, तुम कहो व्यवहार से हमने सब देखा। भगवान समेट के यहां लाए, तुमने कुछ नहीं देखा है, तुम्हें सिर्फ ज्ञान दिखता है, पर तुम्हारी आदत नहीं है ज्ञान को मुख करने की, क्योंकि अनादि काल से कुटी पड़ी है गेय को मुख करने। कैसे? पंडित जी बहुत अच्छी प्रवचन बात, बस इसने इसने निमित्त को पकड़ा। ये लोक व्यवहार में अच्छे लगती है बात कृतज्ञता के, पर मोक्ष मार्ग में अच्छी नहीं। मोक्ष मार्ग में तो अपना आत्मा ही अच्छा है, निश्चय उत्तम दिखे ना कुछ भी, आत्मा सच्ची अच्छा नहीं होता, ज्ञात स्वभाव नहीं होता, तो पंडित जी क्या करते हैं? समझ में तो हमें अपने बल से कहेंगे ऐसे कि पंडित जी साहब बहुत अच्छे, दसवें दिन क्या कहेंगे, ग्यारहवें आप पधारे बाहर आ गए, और हम ना पधारते तो क्या कहते बाहर? जिसको पाकर सब कुछ पाया उससे भी बढ़कर क्या हुआ, जिसकी चर्चा ही है सुंदर तो कितना सुंदर। इसी कल्पना में तो लाओ भी, अनुमान में तो बैठा लो कि हम इतने अच्छे हैं, तो वो आत्मा देखने का कौतूहल, लगन, जिज्ञासा, अनुभूति दिलाए। स्वामी जी ऐसा कहते थे, राजा बहुत विशेष गुणों का धनी होता है, जहां अपना आय पधार रहे हैं तो कितने विशेषण लगाते, आत्मा आत्माई विश्रुत ज्ञान की वेदी पे पधारे और तुम्हें उसकी महिमा नहीं आ रही, तुम्हें गाय की आ रही है। भैया आंखें हैं जब तक भगवान की दर्शन, जब तक आंखें हैं तब तक तुम्हें भगवान की दर्शन हो ही नहीं सकती। जब तक कान है सुन लो, कि जितने दिन सुनोगे उतने दिन आत्मा नहीं दिखेगी, सुन लो ये कान वालू सुन लो, नित्य दृष्टि जीव बंधने ही नहीं। काम नमस्कार अष्टपावर मिलेगा, कान वालू सुन लो व्यवहार कहें, संजय भैया सुन लो जैसा व्यवहार से नाम है, संजय भैया सुन लो, संजय भैया नहीं हो, ऐसी करना है बरसी है भगवान। तो पांचवें बोल में कारण क्या बताया कि तुम रस को नहीं चखती, रूप को नहीं देखते हो, देखते हो ही कहना व्यवहार, क्योंकि रूप तो है जगत में और देखने के लिए इच्छा संज्ञान है, और तुम इंद्रियों का अवलंबन भी लेते हो और भैरवक रूप दिखता है, इसका हम निषेध नहीं कर रहे, इसके आगे की क्लास कि जो तुमने रूप देखा अपने ज्ञान में देखना, वो रूप है कि ज्ञान में ज्ञान है? तो ज्ञान में ज्ञान है, तो वो ज्ञान ज्ञायक का है कि ज्ञान अलग से पैदा हो गया हवा में? ज्ञायक का है, तो तुम ज्ञायक हो या सदी? तुम रूप को देखते हो ये बहुत मोटा व्यवहार, और ऐसे ही मानोगे तो मिथ्या कर ले जाओ, ऐसा नहीं है जैसा जगत मानता है। तो पांचवे को फिर से पढ़ के छठवां पांच मिनट में सकल विषयों के, सकल विषय यानी जगत में जितने भी गेय दिख रहे हैं, सकल गेय ज्ञायक दिखते हैं ना, सकल कहते कह के ज्ञायक भैया निजानंद रसी है, ये तो जगत दिखता है इसलिए कह देते हैं सकल गेय। सचमुच में आत्मा को आत्मा दिखता है, पर आत्मा की रुचि नहीं है इसलिए विषय दिखती। किसी को परद्रव्य दिखता भी नहीं है, ये पढ़ा
सबको आत्मा ही जानने में आ रहा है, पढ़ा रहे पर नहीं मान रहे। आबाल गोपाल सबको सदाकाल सैनी क्या हो रहा है, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा हम आ रहा है। वो कह रहे कहाँ, अब कहाँ आ रहा है, इधर आओ, इधर आओ हमारे पास, इधर आ जाए साहब, देखो उससे दिख रहा, कहाँ दिख रहा शिकारी, इधर आ जा जंगल में भटक गया, मिल नहीं रहा था शिकार, देखो उससे कहाँ देखो, तो उसने एक चेती पे मारा राजा, अंधा है क्या, इसे नहीं देख। अब समझ में आए कि हमें देखने की एंगल नहीं, ऐसे ही दुनिया को देखने वाला है कि नहीं मौजूद, वो मौजूद है वो नहीं दिख रहा, और जो है ही नहीं वो दिख रहा, इसी को तो मिथ्या दर्शन किया। जो आत्मा में है नहीं वो तुम्हें दिखता बहुत ज्यादा, और जो आत्मा में आत्मा ही है वो नहीं दिखता क्योंकि अरुचि। बड़े पंडित जी दिखेंगे तुम्हें जब रुचि होगी तब, तुझसे तब स्वामी जी तुम्हें कब दिखेंगे, जब आत्मा की रुचि होगी, अभी कहां से दिख जाएंगे स्वामी, अभी तो आंखों पर पट्टी चढ़ी है, पैसा दिखता है, इज्जत दिखती, शरीर दिखता, कि ये देख लो ये देख, तो एक संविधान परिणाम जीव का स्वभाव है। वो कितना ही कुछ देख ले उसके ज्ञान में कुछ नहीं है, उसके ज्ञान में क्या है, ज्ञानी ज्ञान है। शक्कर की मिठाई में क्या है, शक्कर ही शक्कर है, खिलौना शक्कर की चिड़िया बनाए, तो शक्कर की चिड़िया में डॉक्टर साहब क्या है, है? सोने की चेन में कौन है, इसलिए इसी प्रकार जानने में कौन बैठा है, जाने अपन को तो दुनिया भर का दिखता है, कि वो दिखता है क्योंकि तुम्हें ज्ञायक की रुचि नहीं है और गेय की रुचि, लक्ष्य ज्ञायक का नहीं है, लक्ष्य गेय का है, तो ये तो सपने में दिखते यहाँ कुछ नहीं, इसलिए रूपी है क्योंकि उसमें रूपूप नहीं। और छठमा क्या है, सरल है छठमा, कि उसे समस्त गेयों का ज्ञान होता है, तुम्हें ऐसा नहीं समझना कि वो अंधरा सब सब दिखता उसे, परंतु सुनो क्या दिखता है, वह सकल गेयों का ज्ञान जिसे होता है, परंतु सकल गेय ज्ञायक की तादात्म का निषेध वर्तता है, इसलिए ज्ञान रूप परिणमित होने पर भी, सकल गेय के ज्ञान रूप परिणमित होने पर भी सारे विश्व में जितने द्रव्य हैं उन संबंधी ज्ञान होने पर भी बिल्कुल ज्ञान नहीं है, बिल्कुल ज्ञान नहीं, यानी बिल्कुल ज्ञान में भी नहीं, ज्ञान में कौन है, यानी ज्ञान है, तो तादात्म्य किससे हो रहा है, तादात्म्य अपने से हो रहा है, तो जिससे तादात्म्य होता उसका भेदन होता है। अनंत भगवान नरक जानते हैं पर नरक से तादात्म्य, सुखी दुखी व्यक्ति को जानते हैं पर सुख दुख से तादात्म्य नहीं होती, सुख दुख से तादात्म्य नहीं होने से दुखी सुखी नहीं होती। भगवान के ज्ञान में तो सारा आता है, नरक में नार की लड़ रहे उन्हें तो बताया, उन भी कभी दुखी नहीं। ये घड़ी हमसे बाबू जी ने पहले दिन पूछा था, ये क्या दिख रही थी, तो मोटी चश्मे से अपन घड़ी कह रहे हैं, अपने इतना सोचो कि घड़ी संबंधी ज्ञान, अब फिर और आ गया कि घड़ी संबंधी ज्ञान नहीं, ज्ञान की आदत ही है जानने जाने, तो ज्ञान भर हो रहा, फिर ज्ञान ही नहीं हो रहा, ज्ञान में जो घड़ी आदि दिखती है वो घड़ी यदि ज्ञान तादात हो जाता तो घड़ी नष्ट हो जाती या ज्ञान नष्ट, न घड़ी नष्ट होती है न ज्ञान नष्ट। तो छठवां बोल भी सरल है, समस्त गेयों के ज्ञाता हो, सकल गेय ज्ञायक है, तादात्म का निषेध होने से बताओ केवल ज्ञानी क्या जानते हैं। इस छठवां बोल पढ़ के बताओ कि केवल ज्ञानी क्या जानते हैं, जिससे तन्मय होते हैं उसे जान, तादात्म्य किससे होते हैं, अपने से, तो किसे जानते हैं, आत्मा के अलावा वो कुछ नहीं जानते। ये नियम सार में निकला, निश्चय नय का मर्म ही समझ सकता है कि जो अपने को जानते वो कुछ नहीं जानते, जो एक को जाने ये सब भी जाने, ये व्यवहार। तो ज्ञान रूप परिणमित होने पर भी स्वयं रूप रस गंध रूप परिणमित नहीं होते, इसलिए हमारे भगवान आत्मा कैसा निकला, रूपी, अपने अंदर में कोई रूप आया क्या, तो अब कल से टीवी देखना है कि नहीं, दस दिन
ऐसे अभी तो निकलो, कल परसों तो आने दो। सहजानंदी सुमत स्वरूपी अविनाशी आत्मे ये जो 10 दिन आते हैं ये बहुत पवित्र दिन कहलाते हैं, है ना। और इसमें जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन चाहती है जनता, यानी शादी होती है तो उल्लास आता, मकान बनता है, गृह प्रवेश तो उल्लास आता, हर बात में कितना उल्लास से पता चलता है इसके कोई आयोजन चल, उल्लास देखती। ऐसे ही 10 लक्षण पर्व में ये उल्लसित वीर चाहती जनवा। तो आप जो अभी हम देखते कितने लड़के पूजा नहीं करते और ये रूखापन उन्हें डुबा दे, क्योंकि ये भगवान मिलना बहुत दुर्लभ है, ये ऐसे सामान्य भगवान नहीं है, इसके लिए दुनिया तरसती है। सुमत जी बोले थे बीना में कि आज अपने भगवान का मंगल विहार होगा जिसे सौदर मिलने चाहता, और बोले आज जिसने कभी मुद्रा नहीं देखी हुई वो सब्जी वाले भी देखे, मुसलमान भी देखे, कितने सौम्य सुंदर मुद्रा। तो ये थोड़ा सा परिवर्तन चाहती है सरस्वती आपसे कि आप 10 दिनों में सिविलाइज बनो, अनुशासित बनो, अपनी जो विपरीतता है उसे तोड़ो, थोड़ी प्रमाद छोड़ो, भाग के आओ मंदिर में, छुओ जन भगवान, कोई अभिनय अभिनय नहीं होता भगवान को छू लेने, थोड़ी विवेक रखो, धोती न उनके ऊपर पड़ पाए पर इसके बहाने भगवान को न छुए, खूब अच्छे से भगवान को स्पर्श करना चाहिए, उनके चरणों में माथा लगाना चाहिए, यानी बहुमान आना चाहिए इस तरह से। तो इसमें आओ, भक्ति में आओ, भक्ति में नहीं आते रूखापन लगता। रात में आधा घंटे का समय दिया जाता है, क्या है आप ऐसा सोचते हो कि रेडीमेड भीतर घुस जाएगा आत्मा, ऐसे तो नहीं, ये तो वो झुकना आता है जिसमें, यानी सुराही के सिर पर बैठी कटोरी गीली नहीं होती, सुराही के नीचे आई हुई गिलास भर जाती गीली हो, ऐसे जिसे झुकना आता है उसे उठना। तो आप महापुरुषों के प्रति झुकना सीखो, विशुद्ध भाव में ये सरस्वती प्रवेश करे। तो जीवन में थोड़ा परिवर्तन 10 दिन लाओ, गुटखा खाते तो फेंक दो उठकाओ को, पिक्चर देखती तो 10 दिन कसम खा लो कि मर जाएंगे पर अब नहीं देखेंगे, बेकथा करते थे यहाँ वहां निंदा करते थे, थोड़ा बस सरस्वती ये 10 दिन ऐसे नियम लो कि हम एक ग्रंथ पूरा कर लेंगे 10 दिन, घर में ले जाओ छोटी छोटी बहुत रचना। अशोक भैया का कहना एक पैसा नहीं मांगेंगे, तुम पढ़ो और पढ़ के ला के पढ़ो, भगवान की वाणी बहुत रखी। अब इतना अभिनय का पाप लग रहा है, जिसने ये जनवाणी पत्ते और पन्ने निकाले वो उसका हृदय जानता रोता है कि हमें ये ग्रंथ मिलना कठिन था, तोड़मल जी के जमाने 6 महीने में एक ग्रंथ लिख पाता था, आज हम ऐसे लद्दियों में विराग भाई को दे रहे, ले जाओ जलाओ बारो दे दो उनको, इतना खराब काला, कुछ छपवाने में भी उसे आप और फिर फेंकने में भी उसे, व्यर्थ की आप कागजों में हिंसा होती है उसका दुरुपयोग नहीं करो, और बहुत खूब द्रव्य लाओ, खूब पैसा लाओ, खूब अपने ऐसा लगे कि हम सब लुटा के और भगवान मनने जाए, आपके जीवन को देख के लगे कोई जैन जा रहा, ऐसा न लगे कि अरे जो जैन है कलंक है कि रात में खाता दिखे, मंदिरों में आता नहीं दिखे, और पूरे परिवार को लाओ। सतीश भाई सुकुल जिनवाणी सुनी, सबको सुखाओ, अपनी बहू हो चाहे बेटी हो चाहे बेटा आना, ये 10 दिन अपना हृदय बदल जात्यंतर कर दे, ऐसा लगे कि जैसे मेरा नया जीवन, अपनी आत्मा को ऐसा पोषण कर लो कि आत्मा ही आत्मा दिखने लगे 10 दिन।